भगवान शिव के अनेकों भक्त हुए हैं, जिनमें एक बहुत ही भोला भाला शिकारी था, जिसकी भोली भाली भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे नाम दिया कन्नप्पा नयनार। एक प्रचलित कथा के अनुसार कन्नप्पा नयनार एक शिकारी था। एक बार वो जंगल में शिकार के लिए गया, तभी वहाँ उसे एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। उसके मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर गया और उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। ये तो बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि भगवान के मंदिर में जब भी आओ तो कुछ ना कुछ चढ़ावा उन्हें अर्पित करना पड़ता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। मेरे पास तो इस समय शिकार किया हुआ मांस ही है, यही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चला गया कि शिवजी ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वो शिव का भक्त था, लेकिन वो रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वो सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देख कर वो भौचक्का रह गया। हे शिव शंकर, ये क्या शिवलिंग पर मांस? जरूर किसी जानवर का काम होगा। जल्दी से यहाँ की सफाई कर देता हूँ, फिर पूजा पाठ प्रारंभ करूँगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और चला गया। अगले दिन वो शिकारी और मांस अर्पण करने के लिए लाया और बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात करने लगा। अब वो मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगा। एक दिन जब वो मंदिर पहुँचा तो उसने सोचा, शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना आज इसकी सफाई कर दूं। लेकिन मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हाँ, एक उपाय है, झरने से पानी लाने का। मैं अपने मुंह में पानी भर कर ले आऊंगा। शिकारी झरने तक गया और अपने मुंह में पानी भर कर ले आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भर कर लाया और शिवलिंग की सफाई करता रहा। जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देख कर घृणा से भर गया। ये कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई नासमझ इंसान ही कर सकता है। मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ने होंगे। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, उसने पूजा पाठ किया और चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने आंसुओं से भर कर शिव जी से पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु। ब्राह्मण को उस रात शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, उठो ब्राह्मण देव, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वो जो भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है और मुझे मेरे वो भक्त अति प्रिय है जो निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करते हैं। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और उसे देखना। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मांस और पानी के साथ आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। हे भगवान, आप आज मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या भूल हुई है प्रभु, मैंने कौन सा पाप कर दिया? अरे, शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है, ये तो रक्त है। प्रभु, आपके तो आंख में चोट लग गई है, मैं अभी जड़ी बूटी पीस कर लगाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण छिपकर सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार शिकारी ने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया। शुक्र है, रक्त टपकना बंद हो गया। प्रभु, मैं आपको दुख में नहीं देख सकता, पर ये क्या, अब तो बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पित कर रहा है? धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं लगा दूंगा, पर उसे रखना कहाँ है ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो चुका हूँगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। एक काम करता हूँ, जहाँ आंख लगानी है वहां पर मैं अपना पैर टिका देता हूँ ताकि सही जगह पर आंख लग जाए।
शिकारी ने शिवलिंग पर उस जगह अपना पैर टिका दिया जहाँ पर उसे अपनी आँख लगानी थी, पर जैसे ही वो अपनी दूसरी आँख को तलवार से निकालने ही वाला था कि उसकी अपार भक्ति को देखते हुए वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मण की आँखें भी आंसुओं से भर आई थी, वो भी दौड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता, देखा ये मेरा प्रिय भक्त कन्नप्पा नयनार है। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। हाँ, आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, आपने मुझे एक नया नाम देकर मेरा उद्धार किया है। मैं अब से आपकी पूजा में लीन होकर अपने जीवन को आपको समर्पित कर दूंगा। प्रभु, भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उनके आशीर्वाद से कन्नप्पा नयनार की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है और उसी दिन से उस शिकारी को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। सच में भगवान निस्वार्थ सेवा भाव के ही भूखे हैं। शिकारी ने जिस भाव से जो अर्पण किया वो भगवान भोलेनाथ ने खुशी से स्वीकार किया। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास दो भैंसे थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तो शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है, इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो ये समझता है, कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, मेरी भैंसे जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा।
पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम चार गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है, आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया, तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।